सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे कोई मिस कॉल करता है या फिर आपका फ़ोन स्विच ऑफ होता है तो कोई कॉल करता है तो यहाँ पे नंबर शो नहीं होता है। देख सकते हो किसी की कॉल पता नहीं चली, किसी की कॉल है तो यहाँ पे चार मिस कॉल यहाँ पे छप जाती हैं, यानी कि देखने को मिल जाती है, लेकिन नंबर नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा है। कई सारे यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट हैं, आप लोग देख सकते हो, कई यहाँ पे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया है लेकिन यहाँ पे नंबर शो नहीं हो रहा है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से सॉल्व करना चाह रहे हो तो आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम लगवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाला हर नया अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसके बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है एयरटेल, ठीक है, एयरटेल थैंक्स, ठीक है, एयरटेल। तो आपको एयरटेल थैंक्स आपको टाइप करना है। मैं यहाँ जैसा कि आप कर लेते हैं और आप लोग भी एयरटेल थैंक्स आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि एयरटेल, ठीक है। इसके बाद आपको एयरटेल एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से जाके, ठीक है। इसके बाद आपको नंबर डाल के ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। इसके बाद लोडिंग करेंगे, लोडिंग करने के बाद थोड़ा सा आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। इसके बाद आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, आप लोग जो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन है उसी नंबर से लॉगिन करेंगे जिस नंबर से आपकी ये सिम डली होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखने को मिल जाता है आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस। इसके बाद यहाँ पे एक कॉल मैनेजर मिलता है, ठीक है, कई सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको ध्यान से देखना है कॉल मैनेजर कहाँ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख मिलता है ये कॉल मैनेजर, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरी कॉल आ जाती है, और आपको देख सकते हो इतनी कॉल है, देख सकते नाम भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फोर कॉल आ जाती हैं, देख सकते हो फोर कॉल, ठीक है, टू डे में आती हैं, आप लोग देख सकते हो टू डे ही, आज यस्टरडे, ठीक है, और अदर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको ऑल कॉल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, इसका यहाँ पे कट करेंगे और आपको ऑल कॉल यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग किसी की आप लोगों के मिस कॉल से जरिए नंबर नहीं सो रहा है तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड बस यही थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।